स्थानीय प्रकाश बैंकेट हॉल में वीरवार को नए फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट के विरोध में व्यापार प्राकोष्ठ की बैठक हुई, जिसमें काफी संख्या में व्यापारी वर्ग ने भाग लिया। इस मौके पर कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के प्रदेश अध्यक्ष उमेश अग्रवाल ने बताया कि सरकार ने व्यापार वर्ग पर अपना नया कानून थोपने की कोशिश की है, जो व्यापारी वर्ग के हितों के विरुद्ध है। सरकार ने व्यापारी मंडल को 6 माह का समय दिया है, लेकिन वे इस कानून को लागू नहीं होने देना चाहते। इस संबंध में आज वे परस्पर चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो पहले तो वे सांकेतिक हड़ताल करेंगे, इसके उपरांत प्रदेश व्यापी हड़ताल करेंगे। आज हमने फूड स्टैंडर्ड एंड सेफ्टी एक्ट 2006 जो केंद्र सरकार ने लागू किया है, उसके खिलाफ व्यापारियों की एक बैठक रखी है। रोहतक के व्यापारियों में बड़ा उत्साह है। 5 अगस्त 2012 से जो फूड स्टैंडर्ड सेफ्टी एक्ट पूरे देश में लागू होना था, हालांकि 6 महीने के लिए सरकार ने इसको पोस्टपोन कर दिया है, लेकिन हम जब तक इसमें सुधार नहीं हो जाता इस कानून का पूरी तरह विरोध करेंगे और इस कानून को लागू नहीं होने देंगे। 6 महीने का जो समय हमें मिला है, इसमें व्यापारियों को हम संगठित करके पूरे प्रदेश के अंदर आंदोलन करेंगे।